सर्द हवाओं से जहां पूरा जम्मू कश्मीर ठिठुर रहा है, तो वहीं विश्व की मशहूर डल झील में भी सर्द हवाओं से पानी जमना शुरू हो गया है। दरअसल डल लेक की ऊपरी परत हल्के तौर पर जम गई है, वहीं धुंध और ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की जरूरत पड़ रही है। मौसम अधिकारियों की माने तो कश्मीर घाटी में सर्दियों के सबसे ठंडे मौसम चिल्ले कला का आगाज आज से शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक हिमपात नहीं हुआ है, लेकिन वादी में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। इसके अलावा सोमवार की बीती रात सबसे ठंडी रात थी, रात का तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं पहाड़ी इलाके लेह में -14 डिग्री सेल्सियस रहा। कुल मिलाकर सोमवार की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। न्यूनतम तापमान के लगातार गिरने से वादी के सभी जल स्रोत जमने लगे हैं। आलम यह है कि नदी नालों और झीलों के किनारों पर पानी की सतह पर लगातार बर्फ बनती जा रही है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में सर्दियों के मौसम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे शुरू के 40 दिन के मौसम को चिल्ले कला कहा जाता है, इसके बाद चिल्ले बाइज और चिल्ले खुर्द का मौसम आ जाता है। हालांकि चिल्ले कला के दौरान वादी में सबसे ज्यादा हिमपात होता रहा है, जिसमें बीते कुछ सालों के दौरान कमी देखी गई है। इसके साथ ही धूप कम निकलती है और जब निकलती है तो उसकी तपिश बहुत कम होती है। सर्द हवाओं की दस्तक और ठिठुरने पर मजबूर करने वाली ठंड से डल झील पूरी तरह से जम जाती है और कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से झील के जमने में कमी आई है। देखते रहिए टीवी लाइफ।